हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वेब कोडिंग में। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिंट की लेवल्स डाउन। ठीक है, तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या हमें गिवन बाइनरी ट्री है, तो आइए पहले एक बाइनरी ट्री बना लेते हैं। 50, 25, 75, 10, 30, 60, 90, 18, 32। ठीक है, ये गिवन बाइनरी ट्री है हमारे पास। तो इसमें क्या होगा, हमें एक नोड गिवन है ये वाला, और हमें उस के लेवल्स डाउन के सारे एलिमेंट प्रिंट करने हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ से कहा जाता है कि टू लेवल्स डाउन प्रिंट करो, तो हमें इस लेवल के सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने होंगे। ठीक है, तो ये जीरो लेवल है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है। ठीक है, अगर जीरो लेवल बोलता है तो जो नोड का डेटा है वो हम तुरंत ही प्रिंट कर देंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ से अगर हमें के लेवल डाउन प्रिंट करना है, इस पॉइंट से के लेवल डाउन प्रिंट करना है, तो अगर हम एक लेवल नीचे आके इनके चाइल्ड से बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, के माइनस वन लेवल डाउन प्रिंट करना होगा। यहाँ से क्या करना होगा, के माइनस वन लेवल डाउन प्रिंट करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही फेथ लगाएंगे कि हमारे चिल्ड्रन को पता है कि के माइनस वन कैसे प्रिंट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको एडिटर पे लिखते हैं। हम यहाँ आ गए हैं, यहाँ हमें कोड लिखना है, तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। क्या होगा, पहले हम अपने लेफ्ट साइड से कहेंगे भाई तुम जाओ के माइनस वन प्रिंट कर गया हो। ठीक है, अब बारी आई राइट साइड की। ठीक है, हमने क्या किया, मोड डॉट राइट से बोला ठीक है भाई ये माइनस वन जाओ तुम भी प्रिंट करो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब के जीरो हो तो हमें नहीं लेफ्ट राइट भेजना है, जब के जीरो हो तो हमें प्रिंट करना है। भाई उसको हैंडल करते हैं यहाँ पे, कि अगर हमारा के जीरो हो गया हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, नोड के डेटा को। तो ये हो चुका है, यहाँ पे हमें बेस केस का ध्यान रखने की सख्त जरूरत है। जैसे सपोज करिए जो नोड हमारे पास आया वो नल निकला, तो क्या करेंगे आप, वो बेस केस हमें हैंडल करना पड़ेगा। मान लीजिए हम लेफ्ट कॉल करते गए तो हमें बेस केस को हैंडल करना पड़ेगा ना यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या है, अगर के की वैल्यू नेगेटिव हुई, के की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है एक ये बेस केस हमें हैंडल, तो उसके लिए हम आइए देखते हैं क्या करेंगे। कि अगर जो नोड आया हमारे पास वो नन हुआ, या फिर के की वैल्यू लेस देन जीरो हुई, मतलब नेगेटिव हुई, तो क्या करेंगे हम रिटर्न कर देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस इतना सा कोड है और हमारा काम हो जाएगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। हमने इसको रन किया, कुछ एरर आ रही है, हमें लगता है कि स्पेलिंग मिस्टेक होगी। प्रिंट के लेवल्स डाउन, के लेवल्स डाउन प्रिंट प्रिंट। ठीक है, बट स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, कुछ और बात लग रही है यहाँ पे। तो नोड डॉट लेफ्ट, नोड डॉट राइट, सब सही लग रहा है। ओके, हमने ये नन लिखना था, गलती से नोड लिख दिया। आइए अब रन करके देखते हैं, तो एक्सेप्ट हो रहा है, आइए सबमिट करके देखते हैं इसको एक बार। तो ये करेक्ट आंसर 10/10। तो आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।